जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं MPPSC प्री के लिए स्ट्रैटेजी में। जैसे कि आपको पता है कि MPPSC ने अपना नया कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें MPPSC प्री 2021 की संभावना जो है 24 अप्रैल होने की प्रबल हो गई है। तो हमारे पास लगभग 3 महीने का समय है, तो हमको कैसे करना है, क्योंकि MPPSC का पैटर्न चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, बहुत कुछ क्वेश्चन उसमें टफ थे, कुछ क्वेश्चन जनरल थे, मतलब लूसेंट पे सीमित रह के नहीं हो सकते हैं। तो आपको कुछ बुक लिस्ट इसमें बताई गई हैं और किस तरह से फॉलो करना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया गया है। आप जरूर देखिएगा, हम किसी कोचिंग सेंटर को प्रमोट नहीं करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप समझ लीजिए। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों जाकर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जो वीडियो आएंगी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली हैं। अगर उसके अलावा आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है MPPSC से रिलेटेड, तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर बेहतरीन वीडियो बनाएंगे और उसमें सब कुछ कवर किया जाएगा, एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स सब कुछ कवर किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए, अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, तो पहला पॉइंट आपको ये जानना जरूरी है कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल MPPSC प्री के लिए। तो एटलीस्ट कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से MPPSC प्री क्रैक कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल अब अपने हिसाब से बनाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं 16 घंटे 15 घंटे 14 घंटे पढ़ने, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप पढ़े 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू, कम से कम मिनिमम 3 घंटे का टाइम टेबल मेंटेन करके रखें। 3 घंटे आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, और बिल्कुल डेडिकेटेड होकर पढ़ना है। थर्ड, हम बात करें तो कीप द बुक पिन, मतलब बुक की जो लिस्ट है आपको बहुत छोटी रखनी है। ये नहीं कि आप ये बुक पढ़ रहे हैं, वो बुक पढ़ रहे हैं, ये इस क्वेश्चन यहाँ से नहीं पता, वो क्वेश्चन यहाँ से नहीं पता, ये आप जरूर ध्यान रखिए। आपको 90 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी को भी नहीं पता होते दोस्तों। तो आपको बुक लिस्ट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जाके जरूर देखिएगा। उसमें जो बुक आपके पास अवेलेबल हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, अवेलेबल नहीं है तो आप अगर खरीद सकते हो तो खरीदिए, नहीं तो वो जो बुक मैंने बताई उनका PDF भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उससे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो जो हम बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो बुक लिस्ट के लिए मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको जाकर जरूर देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो आप खरीदिएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो बुक पढ़ने के बाद आप MPPSC 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि आपको पहले 2 महीने, मतलब दिसंबर और जनवरी का महीना जो है वो आपको सिर्फ प्रीलिम्स तक, मतलब प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है, आपको इन जनरल पढ़ना है, रीडिंग मारनी है। अगर आपको याद नहीं भी होता है तो आप कंप्लीट सिलेबस करने की बस कोशिश कीजिए, सेकंड रीडिंग मारेंगे आपको 100% वो याद हो जाएगा। थर्ड, अगर हम बात करें तो चैप्टर को पहले रीड करना है, पहले चैप्टर, जो चैप्टर आप पढ़े उसको रीड करिए, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, या मैंने जो बुक लिस्ट बताई है उसमें ऑब्जेक्टिव बुक्स भी बताई हैं, उनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे कि आप अगर वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं तो वैदिक पीरियड के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम पढ़ लेते हैं, हमें लगता है सब कुछ आता है, बट आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे घटना चक्र आप बुक देखेंगे, बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ने की आप कोशिश कीजिए थोड़ी सी। उसके बाद हम बात करें कि टॉपिक अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे आप साइक्लोन पढ़ रहे हैं या अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अर्थ का इंटीरियर कोर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। बहुत सारे चैनल हैं, जैसे PMFIS है, बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, अगर आप कहेंगे तो मैं भी उन पर वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उन पर देखने की कोशिश कीजिए। म्यूनाल ज्योग्राफी है, ऐसे हर सब्जेक्ट पर आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसको देखने से आपको जल्दी समझ में आएगा। नोट्स मेकिंग कंपलसरी नहीं है, पहले आपको ये बताना जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए नोट्स मेकिंग जरूरी नहीं है। आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसी पर आप पेंसिल से, अगर आप पेन से या किसी से आप स्टिकरिंग करके उसी पे थोड़ा छोटे छोटे शब्दों में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स मेकिंग थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग हो लगता है मुझे। और उसके अलावा आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपको सिलेबस उठाइए सिलेबस के हिसाब से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको चाणक्य नहीं बनना है दोस्तों, सबसे पहले जरूरी ये है, जरूर जान लीजिए। हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम बुक उठाते हैं, हम पूरी बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं, पूरा बुक कभी नहीं पढ़ना है, स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ने हैं, जितना सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़ना है। और 10th पॉइंट, कभी आप गिव अप मत कीजिए मतलब इंटरटेनमेंट को, कि आप सिर्फ पढ़ाई के, लोग बोलते हैं पढ़ाई में खो जाइए, आप फेसबुक नहीं चलाते हैं, आप मूवी नहीं देखते हैं, ऐसा मत कीजिए। इसके लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि इससे माइंड फ्रेश होता है, और जब फ्रेश होता है तो आपको मेमोरी आपकी बढ़ती है, चीज़ों को रिटेंशन करने की क्षमता बढ़ती है। और अगर हम 11 पॉइंट की बात करें, तो अगर आपके पास दोस्त हैं ग्रुप सर्किल है, आप डिस्कस करने की कोशिश कीजिए। अगर डिस्कशन पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 30 दिन में उस चीज़ को रिवाइज करने की कोशिश जरूर कीजिए, जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन जब आप करेंगे तो वो चीज़ें आपको याद आती जाएंगी। और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव दोस्तों सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिए। हम लोग से बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ डालते हैं कि हमको ये बुक भी पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है। आप बुक को लिस्ट को मिनिमम रखिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव जितने ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल सॉल्व कीजिए। और मैंने जो बुक लिस्ट
पता ही है, उसमें एक आपको सीक्रेट भी बताया है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो थे आपके जनरल स्टडी के 90% क्वेश्चन एक ऑनलाइन साइट से आए हुए थे। वो ऑनलाइन साइट कौन है जाके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।